पार्षद कैलाश कोमल के नेतृत्व में वार्ड नंबर 39 के निवासियों ने नाका मदार पंप हाउस पर किया प्रदर्शन। पार्षद कैलाश कोमल के नेतृत्व में आज वार्ड नंबर 39 के निवासियों ने नाका मदार पंप हाउस पर प्रदर्शन किया। पार्षद कैलाश कोमल ने बताया कि आज कल्याणीपुरा, रावत मोहल्ला, गुजर मोहल्ला, रैगर मोहल्ला के लोगों ने एक साथ एकत्रित होकर अपनी पानी की समस्याओं को लेकर नाका मदार पंप हाउस पर प्रदर्शन किया। पार्षद ने बताया कि क्षेत्र में करीब 20 साल पहले तत्कालीन मंत्री ललित भाटी द्वारा पानी की टंकी का निर्माण करवाया गया था, लेकिन इन 20 सालों में क्षेत्र की जनसंख्या 5 से 6 गुना तक बढ़ गई है। ऐसे में कई परिवारों को लंबे समय से पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। क्षेत्र में रहने वाली ज्यादातर आबादी मजदूरों की है, ऐसे में पानी के बिलों का भुगतान करना उनके लिए काफी मुश्किल होता है। पानी की समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों ने कई बार XEN और JEN को अवगत कराया, लेकिन फिर भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। पार्षद कैलाश कोमल ने कहा कि यदि पानी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाला जाता है तो वे लॉकडाउन के बाद समस्त क्षेत्रवासियों के साथ जलदाय विभाग के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वे ऐसे अधिकारियों को फील्ड में ना लगाएं जिन्हें काम करने में दिलचस्पी ना हो। आज समस्या हमारे, हम सब कल्याणीपुरा, रेगर मोहल्ला, गुजर मोहल्ला, रावत मोहल्ला के लोग इकट्ठे हो गए आए हैं। एक बार वापस शुरू। आज हम सब कल्याणीपुरा के रेगर मोहल्ला, रावत मोहल्ला और गुजर मोहल्ला के लोग सब यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। 20 साल पहले ललित भाटी जी ने हमारे कल्याणीपुरा में पानी टंकी बनवाई थी। 20 साल पहले की आबादी में और आज की आबादी में करीब रात दिन का अंतर है। करीब 5-6 गुना आबादी बढ़ गई है। हम पिछले 3 साल से करीब 50 से 100 मकान ऐसे जिन्होंने पानी की बूंद नहीं देखी है। इनको बराबर समस्या को इनको बता रहे हैं, एक्शन साहब को बता रहे हैं, अजय साहब को बता रहे हैं, जयीन साहब को बता रहे हैं, लेकिन हमारी समस्या पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमारी मांग ये है कि आप जो टंकी बनी हुई है तो हमको सबको पानी पीने के लिए बिल 8-9 हज़ार बिल इनके जुड़े हुए हैं। 5-5, 6-6 साल के बिल है। जब आज तक बेचारे गरीब पानी का नहीं, सारा मजदूर सबका है। हम इनसे ये मांग कर रहे हैं कि आप हमारी पानी की समस्या को जल्द से जल्द निस्तारण करें, अन्यथा हम पूरे गांव वालों को, अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग के चक्कर में हम क्या 20-25 जन आए, अगर ये हमारी मांग नहीं मानते, हमारी समस्या को सुलझाना नहीं करते तो पूरे गांव वालों को लाके यहाँ इकट्ठा कर देंगे और यह धरना प्रदर्शन करेंगे। हम अगर ये काम नहीं कर सकते तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो लोग काम नहीं करना चाहते ऐसे लोगों को फील्ड में लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग जनता का काम नहीं कर रहे, जनता के लिए काम नहीं कर रहे, इस कोरोना महामारी में जहाँ बार बार में हाथ धोना पड़ रहा हूँ, पानी पीने का नहीं मिल रहा तो हाथ कहाँ से धोए, लोग मरेंगे तो क्या करेंगे। हमारा ये मांग है मुख्यमंत्री जी से और कलेक्टर साहब के कि हमारी जो समस्या है उसका जल्द से जल्द निदान करें, पानी की समस्या सुलझाए और पानी पहुँचाए वहाँ पर। कैलाश कोमल, वार्ड 39 से पार्षद और ब्लॉक अध्यक्ष।